हाथी घोड़ा पाल की नाम, मैं भी बोलू तुम भी बोलो, जो देश के काम आई भारत में रहने। हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष में पूरे समस्त उत्तराखंड प्रदेश में विभिन्न नगरों जो भी हमारे एक संघ की रचना है उसके अनुसार ये पथ संचलित किया गया है। और रही बात नगर की, तो नगर के जो विभिन्न मुख्य मार्ग हैं वहाँ से होते हुए रामलीला ग्राउंड से, यहाँ से तीन मंदिर से होते हुए फिर यहीं पर समापन हुआ है। और ये हमारे उत्तराखंड प्रांत की जैसी रचना थी, मानने को पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में। और आज के दिन जो विशेष बात है वो ये भी है कि आज आदि सर संचालक बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी है, उसको भी हम इसी तरीके से विधिवत तरीके से मनाते हैं और आदि सर संचालक प्रणाम भी किया जाता है। चैत्र शुक्ल वर्ष आज से ये मान के चला जाता है कि आज ब्रह्मा जी सूर्योदय से जगत की रचना की थी ब्रह्मा जी। दूसरा जो है लगभग 2081 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने आज ही के दिन अपना राज्य स्थापित किया था, उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत्सर ये मनाया जाता है और ये हमारा हिंदुओं का नववर्ष है। अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार तो हम वैसे जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हिंदुओं का नववर्ष जो है चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा है। ये एक तरह से हमारे जो है फसल पक कर तैयार हो जाती है और चारों ओर जो है पीले पुष्पों की सुगंध भरी होती है, ग्रामीण परिवेश में जो है नई खुशियां और नव जीवन का संचार होता है। साथ ही जो है हमारे जो संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का भी जन्मदिवस है और एक तरह से नव उत्थान का वर्ष है। और एक जो है हम पूरा हिंदू समाज उसको एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें आता है, तो पूरा हिंदू समाज जो है आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ये नववर्ष मना रहा है क्योंकि हमारा अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा यात्रा नहीं, ये पथ संचलन कहलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों से मनाए जाने वाला एक उत्सव वर्ष प्रतिपदा, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस पथ संचलन का आयोजन किया जाता है जसपुर नगर में। प्रांतीय योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है और इसी वर्ष भी उसी श्रृंखला में कार्यक्रम हुआ है। जसपुर नगर में बाजार से होते हुए कई जगहों पर विभिन्न मार्गों से निकालते हुए वापस यही धर्मशाला मंदिर पर ही समाप्त हुआ है।